अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? अभी आज है, आज क्या दिन है? वेडनेसडे है और रात के 8 बज रहे और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया। मैंने कल कोई व्लॉग नहीं बनाया था, आप लोगों को कोई व्लॉग नहीं मिला। मेरी आवाज़ सुन रहे हो आप लोग, मेरी आवाज़ बैठ चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना ली मैंने बाबू के बर्थडे की, तो ऐसा है। लेकिन बाबू तो खुश नहीं होते बर्थडे में, हम लोग खुश हो जाते हैं, हमने खुशियाँ मना ली। अब हाँ, बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि बाबू को उनके पेरेंट्स की याद आ रही इसलिए बाबू मायूस थे वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबू को उनका बर्थडे बनाना ही अच्छा नहीं लगता। अब रीज़न आप उनसे ही पूछ लो। बाबू जरा इधर आके जरा बोलो, बहुत फिकर कर रही थी पब्लिक आपकी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे सही बात है, मतलब मुझे पहले से बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता और मैं पहले से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। और जबरदस्ती मुझे उठा के लेके गए थे जमजम में, तो मैं गया था इसलिए मेरा माइंड थोड़ा सा, सबको लग रहा था कि मेरा मुंह उतरा हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश था मेरे बर्थडे के दिन। मुझे एक्चुअली सही बताओ, पहले से आज से नहीं, बहुत पहले से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे कमेंट भी आए थे इसको कि माँ बाप ने दूर कर दी फलाना ढिमका, तो ऐसा कुछ नहीं। मेरी उनसे बात होती रहती है और मुलाकात भी होती रहती है और कोई ज़्यादा लंबा रहते नहीं वो लोग, बांग्लादेश में रहते हैं, तो जब भी मेरी इच्छा होती है या उनको कभी दिल करता है मिलने का, मैं मिलने चला जाता हूँ, समझे? तो ऐसा कुछ नहीं है, बेफिक्र है इसके लिए। और हर साल बर्थडे का वापस से बोल दूंगा, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। ये तो अपने पता है आप लोग है ना, ये तो अपने पेरेंट्स के घर पे कभी बर्थडे बनाया भी नहीं है। शादी के बाद तो 3-4 बार से, मतलब 4 साल से ही इनका बर्थडे बन रहा है। वो अम्मी कभी केक लेके आ जाता, 3 साल से अम्मी केक लेके आ रही है। 24 साल के करीब पत्नी और 26 साल से मैं घर पे था। मेरे एक साल भी ऐसा ना कि मेरे बर्थडे में केक कटा गया घर पे। जो शादी के बाद ही इनका 4 बार केक कटा है, 4 बार काटे ना उन्होंने केक। शादी के पहले एक बार भी इन्होंने केक नहीं काटे, कभी बर्थडे नहीं बनाए। लेकिन हम, मैं जब से इनसे मिली हूँ ना, शादी के पहले भी 4 साल हमने बर्थडे बनाए लेकिन केक नहीं काटते थे, ऐसे ही घूम लेते थे, फिर लेते थे, अच्छा खा लेते थे। लेकिन शादी के बाद है ना, अम्मी और रियाज लोग, मतलब मेरे भाई बहन लोग, मेरी अम्मी लोग रोज रात को 12 बजे केक लेके आते थे। बट इस बार उन लोगों के घर में एक छोटा बाबू है ना, तो रात के 12 बजे लोग आ नहीं सकते थे ना, तो इस बार मैंने इनका सेलिब्रेट कर दी बर्थडे। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई कि वो अपने पेरेंट्स को याद करते, तो अभी उन्होंने अपने मुंह से क्लियर कर दिया। तो मैं मिलने चला जाता हूं, ऐसा कुछ नहीं, और फोन बात भी हो जाती है। बर्थडे के दिन भी मुझे शायद मेरे पापा का फोन आया था रात में, एक दिन पहले आया था, तो मैं उस दिन फोन उठा नहीं पाया, तो मैं नेक्स्ट डे बात किया था उनसे। ठीक है, देखिए अभी वही बता रहे हैं, मतलब उनकी बहन, उनकी मम्मी, उनके पापा, सबसे उनकी बात होती है। जब मिलना होता तो मिल भी लेते, कितना ज्यादा दूर नहीं रहते। फोन आया था बर्थडे वाले दिन, जब मैं दूसरा फोन आया था मेरी बहन का भी, वो गाँव में एक्चुअली, फिर भी उसका फोन आया था मुझे। बहुत सोचते हैं इनमें से कुछ लोग, बहुत सोचते हैं, मतलब तुम्हारा मुंह उतरा नहीं ना कि सब कुछ मुझ पे आ जाता है, सब कुछ मुझ पे आ जाता है, मिलन बना डालते हो मुझे तुम। मैंने कभी इनको मना नहीं किया अपनी फैमिली से मिलो बोल के, कभी मना नहीं किया, इनको फुल छूट है। मैं खुद बोलती हूँ ना तुमको, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से मिलने जाओ, मैं खुद बोलती हूँ। काम पे जाते, बाइक है पास में, बाजू में ही रहते, कभी भी जा सकते हैं, सब कुछ नहीं है। वो आप लोग पता नहीं क्यों इतना सोचते थे, यार मैंने अभी क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा इतना दिमाग मत लगाया करो। तो कभी कभी इंसान खुद से भी अपसेट होता है, कहीं की बात कहीं और मत जोड़ा करो, तो ऐसा है। हम लोग बहुत खुश थे, हमने बहुत एंजॉय किया। फाइनली बाद में होटल जाने के बाद तुमको अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा था। तो उनकी मर्जी नहीं थी, बिना मर्जी के हमने उठा के लेके गए थे, वो अर्जेंट बेसिस वाला प्लान था, पहले से कोई प्लान नहीं था। वो तो रियाजी लोग आए थे तो हम लोग ने अचानक से होटल का प्लान किया, इनको तो अंदाजा भी नहीं था, तो इसलिए शायद इनका कोई और प्लान होगा, इसलिए शायद इनका मूड अपसेट था, तो ऐसा है। अभी चलिए फिर मिलता हूँ, इसको भूख लगी है तो मैं इसलिए इतना बोली तो भूख लग जाएगी एक्चुअली, नाश्ता लेके आता हूँ इसके लिए। ठीक है, अरे एक्चुअली ना मुझे सच में, हाँ लेके आओ, मेरे को ना भूख लग रही है, मुझे अभी हॉस्पिटल भी जाना है, तो मैंने बोला थोड़ा ना चाट वाट लेके आओ, मैं खा लेती हूँ, बाद में हॉस्पिटल जाके आने के बाद क्या खा पाती हूँ नहीं खा पाती हूँ कोई आइडिया नहीं रहता मेरा, क्या इलाज करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं ना, तो इसके लिए। तो बाबू क्या लेके आ रहे? चाट। कौन सी? आलू चाट। थोड़ी मीठी चटनी जरा अच्छे से डलवा के लाना। बाय, मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। बोलो सलाम। सलाम। अरे सलाई तुम्हारा वाला। अस्सलाम वालेकुम बोलते बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। अरे 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 आना जीनी, शूज भी निकाल रही। मत निकाल, अपन जाएंगे घुमाने लेके आइए उसको। उजमा तुम तो एकदम खाला के जैसे दिख रहे पापा, बताओ कपड़ा। अरे बाप रे, बताओ ना नजदीक से। उजमा पहले दिखाओ तुम कैसे दिख रहे, पूछो जा मैं कैसी दिख रही। दूर 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 दूर। अरे नहीं तो यहाँ से पूछो मैं कैसी दिख रही।
हैंड ऊपर क्यों है? रास्ते में रुक के ना मेरा ये देखी ना तो दोनों ऊपर कर रही अपने। चलो हो गया, मेकअप का डब्बा मिल गया उसको। बाबू जाओ ना नाश्ता लाओ ना। मैं इनको भेज रही थी, मेरे को भूख लगी तो मैं बोली जरा लेकर आओ वो क्या नाम है खाने के लिए, मुझे अभी दवा खाना जाने का है, तो वो जा रहे थे तो तुम लोग दिखे तो। अरे उतना मत करो ऐसे, चलो बोलो देखो। हाँ और वो क्या गिरा है तुम? पेनो घड़ी कैसा पहनते हैं? थोड़ा पीछे जाओ। हाँ आप करो। कैसे आप सब? सुनो ना डार्लिंग, क्या हुआ, क्या बोली खाला? कुछ कैसे हो सर? अच्छा सोनू पापा के जैसे बात करो ना उजमा। हाँ सोनू पापा के जैसे बात करो ना, इधर देखो तो सही। तुम पागल है? अल्लाह मेरी बेटी धनुश्री पढ़ती पता है? पढ़ो पापा, पढ़ो ना बिस्मिल्लाह। सुनती क्या? देख हाँ तो सुनी तो बोलना फिर। बिस्मिल्लाह नहीं बोली, पढ़ के दिखा। क्या घड़ी, दो हाथ की घड़ी पहनते हम लोग, उसको दोनों हाथ डाल लेगा। मुझे खाना था रगड़ा पेटिस, लेकिन रगड़ा पेटिस नहीं मिला, इसके लिए उन्होंने ये समोसे और ढोकला लेके आ गए, तो अभी इसी से पेट भरना पड़ेगा। तो खैर मैं यही खा लेती हूँ। तो देखिए मैं व्लॉग बनाना शुरू तक की थी, लेकिन व्लॉग कंटिन्यू क्या, मैंने व्लॉग बनाई नहीं। सलाम, कैसे आप सब? तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, मैं व्लॉग बनाने के पूरे मूड में थी, और फिर उसके बाद जीनी और उज्मा आए, थोड़ा खेले हमने, नाश्ता किए, फिर उज्मा को लेके जीनी चले गई, 9 बज चुका था। उसके बाद हाँ तो नूर भाभी का कॉल आया था, तो मैं बातों में लग गई थी। आप लोग देख रहे होंगे मेरा मुंह टेढ़ा है, तो मैंने आज ऐसा कुछ, पापा मैं बात करूं, मेरे पूरे दांत देखो, पूरे दांत लग गए मेरे, लेकिन लगे, बाकी दर्द वर्द होते रहेगा वो आगे। मुझे बात करने दो ना तुम लोग प्लीज, वैसे ही बहुत मुश्किल से बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये पहुँचाना जरूरी है। तो अरे उज्मा सीधे रखो, कुछ चंद लोग है जो स्टार्टिंग की थी, मैंने वही चंद लोगों की वजह से की थी, और एंड भी वही चंद लोगों की वजह से कर रही हूँ। जो लोग पता नहीं क्या खुराफात दिमाग में पाल के बात करते, समझ में नहीं आता। अब ये बोलेंगे कि हमेशा बीमार रहती, दुखड़ा सुनाती रहती, तो भाई मत देखो ना, मैं तो पहले भी बोली मेरी बीमारी नहीं देखना है, मत देखो। आप लोगों को सिर्फ झूठ चाहिए कि मैं अगर हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मैं बोलूँ मैं पार्टी बनाने के लिए रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। हॉस्पिटल जा रही हूँ मतलब हॉस्पिटल जा रही हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में हॉस्पिटल जाना लिखा है तो मैं हॉस्पिटल ही बोलूँगी। हॉस्पिटल जाके मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पार्टी मनाने के लिए जश्न के हॉल में आई हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैं चना खाऊंगी तो चना ही बोलूंगी, और बादाम खाऊंगी तो बादाम ही बोलूंगी। चने खा के बादाम बोलना मुझे नहीं आता। अगर आपको हॉस्पिटल सुनना पसंद नहीं है, मत देखो प्लीज़ मेरे ब्लॉग, जिधर आपको अच्छा लग रहा है ना, जो अच्छा लग रहा है ना, फंक्शन फंक्शन कहीं और बहुत सारे चीज़ें पड़ी है देखने की, वो देखिए। मैं तो अपनी रियल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो है सो है, तो मैं बस वही शेयर कर रही हूँ। अभी मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब भी व्लॉग में बोलती हूँ मैं हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ आ जाते ताने मारने वाले कि जब देखो जब हॉस्पिटल हॉस्पिटल, तो मेरे व्लॉग में हॉस्पिटल भी दिखेंगे क्योंकि वो मेरी रियल लाइफ है, ठीक है।
तो ये रही बात। और मैं ये ब्लॉग को इसलिए एंड कर रही हूँ क्योंकि कल भी आप लोगों को ब्लॉग देखने नहीं मिला, आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो मुझे प्यार करते हैं। छी, ये तो अम्मी का, ये काय को निकाले तुम दूसरी चीज निकालो, जाओ जाओ वो देखो उधर, उसमें से कुछ और निकालो। तो ये वो है, अभी फर्मा बना के दिया डॉक्टर ने, ये कैप का, ये पहनने का मेरे को, ये मेरे दांत है देखो, ये मेरे ऊपर के दांत है जो अभी बना के दिए, इसमें सिलिकॉन का वो रबड़ लगा हुआ है, ये मुझे पहनना है। तो ये अब भी लेके आई मैं, मेरा मुंह टेढ़ा है, पूरी इंजेक्शन लगाए हुए हैं, अभी इलाज करके आई, बात करने की कंडीशन नहीं है लेकिन फिर भी बात कर रही हूँ। तो ऐसा है देखो यार, अगर जो चीज़ अच्छी लगती ना वही देखना चाहिए, फालतू में अपना डाटा वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर फिजूल देख कर, कमेंट करके कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा है। तो हाँ, मैं ये अभी भी ये ब्लॉग में एंड नहीं करने वाली थी, मेरी हालत नहीं है बात करने की, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये ब्लॉग आप लोगों तक पहुँचा। हाउ जी बेटा, थोड़ा बात कर लेने दो ना माँ। ऐसा क्या करते तुम्हें, क्या करते तुम्हें, मुंह को धरा धरा मेरे, जाओ। तो अभी तक मुझे कमेंट आ रहे हैं, साली आधे घर वाली, तेरा तो खानदान ही नहीं है, आधे अधूरे खानदान वाली, तू अपने आदमी को दूर करके रखी। अरे यार क्या तो भी सोचते तुम लोग, कैसे है यार मेरे घर में आके रह रहे क्या तुम लोग, मेरे साथ बचपन से है क्या तुम लोग, जो लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं कितना जानते तुम लोग। पर एक बात क्लियर, अभी भी वो टॉपिक पे ज्यादा लंबा बात नहीं करने वाली मैं। हाँ मम्मा, तो ये टॉपिक पे ज्यादा बात मैं अभी भी नहीं करने वाली। बर्थडे का फंक्शन था, टाइटल ये था बर्थडे है, ठीक है। और वो वीडियो आप लोग पूरा भी नहीं देखते, वीडियो में क्लियर कर दी, जो टॉपिक पे बात हो जाती ना, वो टॉपिक आप कर रहे हो ना मेरे को कमेंट, तो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। वीडियो में लिखा बोला, अच्छे से बोला मैंने कि उनके जन्मदिन वाले दिन उनको क्या हो जाता मुझे पता नहीं, वो अपने जन्मदिन और हमारी एनिवर्सरी को इतने अच्छे से इंजॉय नहीं करते, अपना कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन वो इस तरह से इंजॉय नहीं करते, दूसरों के लिए वो घुलना मिलना पसंद करते हैं, इवन दूसरों के लिए करना भी पसंद करते हैं, बट खुद के लिए कुछ करना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने उनके लिए किया। जब वो हमारे लिए कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ है उनके लिए करना, तो मैंने किया। तो यार मतलब मैंने उसमें क्लियर किया, हाँ मेरे बाबू का मूड अपसेट है, तो उसमें ये चीज़ अपने पति के क्यों अपसेट है ये जानने की कोशिश कर, ये वो फलाना डीम का, यार क्या क्या सोचते हो आप लोग, कितना सोचते हो, अच्छे से सोचो ना। जो चीज़ दिखा रही हूँ, जितना इन्जॉयमेंट किया हमने 25 मिनट के वीडियो में, आपको बाबू भाई ही दिखे या बाबू भाई का उतरा हुआ मुँह ही दिखा, कहाँ उतरा हुआ, मेरे को तो नहीं दिखा उतरा हुआ, मेरे को वो नॉर्मल दिखे, खाली एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था उनका, खाली एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था। चलो खैर, आप लोगों को लगा बाबू उदास है तो उदासी की बहुत सारी वजह होती, बट विलन बना देते हो मुझे, अपने सास ससुर से दूर कर दी, ये कर दी, बाबू क्या यार क्या मेरे को बदनाम करके रखे हो मार्केट में तुमने, क्या कम करती हूँ मैं तुम्हारे लिए, मैंने स्पेसिफिकेशन दिया है अच्छे से, मैंने इसके लिए स्पेसिफिकेशन दिया है, अच्छे से ब्लॉग देखना इसलिए वीडियो को, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अरे यार सच में चंद लोग है ना ऐसे के, मतलब पहली बात तो वो अपनी मर्जी से मुझसे मोहब्बत किए, अपनी मर्जी से मुझसे शादी किए, मैं कोई उनको भगा के नहीं लाई, क्या बाबू भगा के लाई मैं तुम्हारे को, बिल्कुल नहीं, हाँ जबरदस्ती करती हूँ मैं तुमसे आज भी, नहीं 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 जरा भी नहीं, कहीं भी कोई जबरदस्ती नहीं है, वो अपने माँ बाप से मिल सकते, खुली छूट है, बात कर सकते, दो दिन जाके वहाँ रह भी सकते, मैंने ये भी बोला दो दिन जाके वहाँ रह भी सकते उनको अगर चाहिए तो, बट मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं नहीं रह सकती, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं घुस नहीं सकती बेफुजूल की, क्यों बाबू गलत बोली, सही है, सुन लो सही बात है, जो चीज मोहब्बत से हो तो अच्छा लगता है, हाँ। ना जबरदस्ती कोई मतलब है नहीं, तो सुन लिए, मेरा ऐसा नेचर है ना, कोई मुझे प्यार से एक्सेप्ट करे तो मुझे अच्छा लगता है, जबरदस्ती घुसने की ना मुझे आदत पहले थी ना आज है, उनके पेरेंट्स है वो वहाँ तक के अच्छे लग रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है मिलना जुलना, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, जाए मिले बात करे, हाँ भाई पप्पी पप्पी कौन देगा, अरे 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 दोनाज पप्पी दोनाज बोलो, I love you so much बोल I love बच्चा नहीं I love अब्बा।
आ पाए। तो ऐसा है यार, इतना मत सोचा करो। हम लोग खुश है ना हमारी लाइफ में, हम तीनों की एक छोटी सी फैमिली, हम खुश है। जिसको जहाँ खुशी मिलती है वो करे बस, और ना किसी की खुशियों में ना ऐसे खलल ना डाला करे। जो दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश करते ना, वो अपने घरों के आग बुझाए पहले। तो दूसरों के घरों में आग लगाने जैसी है ना, तुम लोगों के अंदर ना थिंकिंग भी नहीं आएगी, इतना टाइम नहीं रहता है किसी के पास आके सोचने का कि आपके हस्बैंड क्यों नाराज है, क्यों वो है वो है वो है। कभी ये सोचे आपका भाई क्यों तकलीफ में है, आपकी मम्मी क्यों दुखी है, आपके हस्बैंड को क्यों क्या तकलीफ है, वो सब अपने घरों में कोई इतना नहीं देखता। और ये चीज मैं किसको बोल रही पता है, जो छेड़े लगाने आ जाते हैं मेरे चैनल पे, हर बार का नाटक है यार। मेरे को सोचना पड़ रहा है आजकल मैं व्लॉग में क्या दिखाऊं। नूर को लेके आ जाओ, मतलब भाभी को लेके आ जाओ तो भाभी को पकड़ लो, है मतलब हस्बैंड को लेके आओ तो हस्बैंड की फैमिली को पकड़ लो। मतलब चाहते क्या हो यार, मतलब मैं कुछ भी ना दिखाऊं, आओ सिर्फ अपना थोड़ा दिखाओ, धड़ाधड़ अपने बारे में बात करूं, हो गया खत्म। यही चाहते हो क्या, चाहते हो ब्लॉग बनाना बंद कर दूं? तो वो तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दूं। हर जगह मुझे विलेन बना देते हो, क्यों भाई? नहीं पसंद हूं मैं, मत देखो ना मुझे। और ये वो लोग हैं जो मुझे इतने छेड़े लगा के मोहब्बती मूड में आके बोलते ना, वो दो तरीके के लोग होते हैं। एक आके सिंपल सिंपल गाली दे के चले जाते हैं, और एक आते हैं गाली नहीं देते, क्योंकि गाली देंगे तो उनको मेरे चाहने वाले छोड़ेंगे नहीं। और एक दूसरी तरीके के लोग होते हैं गाली नहीं देने का, क्योंकि किसी से गाली नहीं सुननी उनको, तो वो आएंगे मोहब्बत में प्यार में, बाजी ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, तुम तो घटिया औरत है। मतलब पहले ऐसा नहीं वैसा नहीं, बाद में उन्होंने अपना असली रूप दिखा दी। ऐसे होते हैं, मतलब वो बोलते ना गोबर में गुलाब लपट के आपके मुंह पे मारना, क्या क्या बाबू क्या कितने गोबर मेरे चल क्या गोबर लिटा के मारने जैसा। वैसे पढ़ रही क्या नहीं मेरे को कल से कमेंट। तो ऐसा यार, मतलब देखो मेरी फैमिली है, मेरा घर है, मेरे हस्बैंड है, मैं देख रही हूँ उनकी खुशियाँ, ठीक है, और मेरा फर्ज ही है ये, तो मैं उसको अच्छी तरीके से निभा रही हूँ, मुझे पता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं अगर अपने उनकी फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आगे भी आप लोग बोलेंगे फोटो दिखाओ ये करो, है वो छेड़े लगाने वालों के अंदर ये है। अच्छा हम लोग अभी कैसे मानूं कि आप सच बोल रहे हैं? भाई तुम होते कौन है जिसको मैं सबूत दूं? कौन है? मैं सच बोल रही है झूठ बोल रही? जो है वो बोल रही, यकीन मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, चलते बनो। हाँ नहीं तो क्या, सबूत दो बोलते। पिछले बारी को यही बात करते बैठी थी तो बोलते सबूत दो। तुम अगर तुम्हारे हस्बैंड को अपने माँ बाप से मिलने भेज रही हो तो भाई क्यों दूं? वो उनके माँ बाप है, वो उनका बेटा, वो मिल रहे, मेरे को लेना देना नहीं। तो आप कौन होते लेना देना रखने वाले? है मेरे को लेना देना नहीं, शादी को 4-5 साल होने हैं, मैंने लेना देना नहीं रखी वो माँ बच्चों में, तो तुम कौन? हाँ बेटा हाँ। और रही बात मेरी भाभी के केस में, तो मेरी भाभी के मेरी भाभी ने तो क्लियर बोल के बोली कि मेरे माँ बाप से ज्यादा प्यार मेरी आपा करते, मेरे लिए मेरे ही माँ बाप मेरे आपा ही है। तो उसमें भी लोगों ने बोले कि झूठा ड्रामा बंद करो। मतलब मेरी भाभी अपने मुंह से बोल रही है, वो मुझे कितना मानती है, तो वो भी झूठा ड्रामा लग रहा है। तो फिर आप लोग सिर्फ झगड़े देखना चाहते है, सिंपल है, आप लोग सिर्फ झगड़े देखना चाहते है। मैं ये उन लोगों को बोल रही हूँ जो ऐसे ना निगेटिव थिंकिंग के साथ मुझे कमेंट करते, मतलब सिंपल है, फिर आप हमारी अच्छाई नहीं देखना चाहते, हमारी बुराई देखना चाहते, हमारे झगड़े देखना चाहते, फुल कप्स कसौटी जिंदगी की देखने का आप लोगों को यहाँ पे है ना, बिग बॉस देखने का आप लोगों को यहाँ पे। अंदर से आवाज आई वापिस बोलो, आई आवाज। तो सीधे सीधे कसौटी जिंदगी की कहानी, घर घर की, बिग बॉस, ये सारे चीज देखने का आप लोगों को, तो यहाँ पे वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये एक सीरियल नहीं चल रहा है, ये रियल लाइफ चल रही है। जो है मैं वो सच बता रही हूँ, ये मेरी रियल लाइफ है। लेकिन रियल लाइफ का मतलब नहीं है कि मैं जो चीज से मेरा लेना देना ही नहीं है। हकीकत मानो मैं, मेरे ससुराल वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे बाबू का है, वो अपने पेरेंट्स से मिलते, मैं उनके मुंह पे बोल रही हूँ, उनके पीठ के पीछे कुछ नहीं बोल रही, वो मेरे घर में मेरी आवाज सुन रहे, तो ना मैं उनको उनके घर वालों से दूर कर रही हूँ ना करूंगी। वो मिले खुश रहे, बट मैं, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं किए तो मेरा लेना देना तो है ही नहीं, और ना मैं आप लोगों को उनके बारे में और ज्यादा बता सकती हूँ, ठीक है? तो ऐसा है, क्या बोलते हैं, अल्लाह हाफिज बोलो। बाय, अल्लाह हाफिज। तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ हानि? तो क्या थोड़ा ज्यादा बात क्या करो, बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय। ज्यादा बोलने का नहीं, हम लोग बोलने बिलीव नहीं करते, करने बिलीव करते हैं। बाबू बोलने में नहीं, करने में बिलीव करते हैं। हानि तो क्या, देखो करके बैठे ले। मेरा मुंह कितना टेढ़ा दिख रहा है यार। चलो अल्लाह हाफिज, बाय, अपना ख्याल रखना।
और दोबारा अगर किसी को इतना अंदर से फीलिंग आता है ना कि भाभी के साथ गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो ना प्लीज कमेंट मत करना, हमारे घर पे आना, दो दिन हम लोग के साथ रहना, उसके बाद खुद एक वीडियो बना देना। मैं नाजिया के घर पे गई थी रहने के लिए, देखो इधर ये होता है, देखो उधर, प्रेस रिपोर्टर बन जाना, मैं तो क्लियर छूट दे रही हूँ, आ जाओ मेरे घर पे, कमेंट करने से अच्छा यही कर लेना आके। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।